ये बताइए मैम कि आप ये किस तरह मैनेज करते हैं और अब तक कितने आप ये विंटर वाटर प्लांट लगा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाबस्ता है मेरी जिंदगी से जिनके राबते यार अल्लाह करीब उनसे अपनी रहमत से उनको हमेशा खुश व आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरदार फाउंडेशन के वसे से हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव के अंदर एक वाटर ट्रेडिशनल प्लांट लगाया है और ये हमारा मतलब है कि बहुत देर से हमारी इसकी जस्तजू थी, ख्वाहिश थी। मैंने 2 साल पहले एक यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगवाया था सरदार फाउंडेशन के थ्रू, उसमें जब हमें उन्होंने डॉक्टर ने एक मुकम्मल तौर पे हमें एक समरी दी कि जी आपके 2 साल बाद या 3 साल बाद हर दूसरा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। तो उसकी रीज़न ये थी कि हमारा पानी जो है ना, ये अंडरग्राउंड जो पानी है 70-80 फीट पे जो है वो पानी ठीक नहीं था। उस वक्त से हमने काबिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस आयत के तक पहुँचे हैं। अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये आपके सामने जो है ना एक वाटर फिल्टरेशन प्लांट जो एक ओवरऑल गांव के लिए, इससे 3 गांव एटलीस्ट 3-4 गांव इस्तेफादा करेंगे, छोटी हवेली, बड़ी हवेली, तरगार, कादीबिन, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपके तवस्से से सिटी जो आपके ये 24 चैनल है इसके तहत से मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अन करीब बहुत जल्द हम कादीबिन में भी ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। आपने बात की कि जी इसकी जो किस तरह इसको आपने इसकी जो पैसे किस तरह मतलब जनरेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सेल्फ मेड है।